उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर के निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह व समर्थकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी एकत्रित होकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा के साथ मारपीट करने वाले भाजपा के निवर्तमान मेयर व उनके समर्थकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि रामपाल सिंह ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति बिहार गेट पर पहुंचे। आरोप है कि सभी ने उनके गाली गलौज करते हुए मारपीट की। कांग्रेसियों का आरोप है कि पुलिस सत्ता के दबाव में रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह सहित तो उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी की मांग की। ये तो समझने वाली बात है, गुंडागर्दी चल रही है। कल परसों में आपने देखा किसान गोली से मरा, उसी तरीके से मणिपुर में घटनाएं घटी, इनके सांसद और मंत्रियों के बेटे किस तरीके से चल रहे आपने देखा है। और आज सीपी शर्मा यहाँ के नगरपालिका के प्रथम व्यक्ति ने जिस तरीके से हमला करवाया है और करा है, वीडियो सामने है, पुलिस कार्रवाई नहीं करी। निश्चित ही सरकार का इसमें दबाव है और सारे लोग यहाँ के आम जनता कांग्रेस के सभी साथी इसमें हम धरने पर बैठे हैं और कार्रवाई जब तक नहीं होगी धरना चलेगा। और अगर फिर भी लगेगा पुलिस कार्रवाई नहीं करी तो इस रणनीति को बदलते हुए हम इसको संघर्ष को और तेज करें। देखिए ये तो आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, चाहे वो बगल में आदेश चौहान जी विधायक जी के ऊपर कार्रवाई हुई थी उस समय आपने देखा, आज सीपी शर्मा जी हैं, उसी तरीके से अन्य लोगों के साथ हो रहा है। लगातार पुलिस बर्बरता कर रही है, कमजोरों को मारने का काम करती है और जहाँ न्याय की बात होती है वहाँ पुलिस कार्रवाई नहीं करती, इसीलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।